वेल गाइस, फाइनली फार्मिंग सिमुलेटर 2023 प्ले स्टोर पर आ चुकी है, लेकिन इसके भाव 750 रुपये हैं, आई मीन 700 रुपये हैं। तो आप सब लोगों को डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगी। कैसे मिलेगी वो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को यहाँ पे देख सकते हो कि मैं इसको बाय कर रहा हूँ, और बाय करने के बाद जो भी इसकी एपीके होगी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा। लेकिन शेयर मैं यहाँ पर नहीं करूँगा, आप लोगों को सीधे मेरे फेसबुक पेज पे चले जाना है, वहाँ पे आप लोगों को जो भी इसका डेटा वगैरह है वो मिल जाएगा। लेकिन उस डेटा को कैसे इंस्टॉल करके एंजॉय लेना है वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बता रहा हूँ। और साथ में मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 2 रिडीम कोड भी आप लोगों के लिए दे रहा हूँ। जो भाई रिडीम कोड से चाहे वो रिडीम कोड से ले सकते हो, और बाकी लोग आप लोग लिंक के थ्रू इस गेम को इंस्टॉल कर सकते हो। और इस गेम को इंस्टॉल करते टाइम थोड़ी सी ट्रिक लगानी पड़ेगी आप लोगों को, और ट्रिक क्या लगेगी वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ। आप लोग देख सकते हो फाइनली मैंने इस गेम को बाय कर लिया 700 रुपये में, और मैं आप लोगों को इस गेम के अंदर क्या कुछ मिलने वाला है वो मैं दिखाता हूँ, और साथ में दिखाता हूँ कि आप लोग इस गेम को कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। सो वेल गाइस, जैसे हम गेम को यहाँ पे ओपन करते हैं कुछ इस तरह का यूनिटी लिखा हुआ आप देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर लिखा हुआ है फार्म सिम 2023 23। तो और यहाँ पे कुछ इस तरह का यहाँ पे इंटरफेस है, ग्राफिक काफ़ी अच्छे हैं। और इस गेम को खेलने के लिए अगर आप लोगों के पास 4 GB रैम वाला डिवाइस हो तो काफ़ी अच्छी बात है, वरना 3 GB में भी चल जाता है। लेकिन 3 GB में आप लोगों को थोड़ा सा लैग की इशू आ सकता है, तो लैग का इशू कैसे फिक्स करना है वो मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। इस वीडियो में मैं बस आप लोगों का इसका इंटरफेस दिखाता हूँ, और आप लोगों को एक ZRChiever नाम की एक एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेनी है, जो कि फ्री ऑफ है और 2-3 MB की होगी, और विदाउट ZRChiever इस गेम को आप लोग इंस्टॉल नहीं कर पाओगे। ठीक है, जो भी डेटा और जो इसका डेटा होगा वो 450 MB का आप लोगों को लमसम देखने के लिए मिल जाएगा। इसमें क्या कुछ करना है वो तो पता नहीं, बाद में देखेंगे। और अगर 3 GB वाले रैम में लैग हो रहा है तो आप लोग कमेंट कर देना, मैं लैग कैसे फिक्स करना है उसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा। वेल, तो आप लोगों ने इसका इंटरफेस देख लिया और सब कुछ देख लिया कैसे क्या कुछ है इसके अंदर, तो चलिए अब मैं आप लोगों को बताता हूँ इसको इंस्टॉल कैसे करना है। ठीक है, लिंक से जो भी आप लोगों को डेटा मिलेगा उससे। सो वेल गाइस, हम फिर से आ चुके हैं हमारे मोबाइल की स्क्रीन पे, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अब मेरे पास यहाँ पे फार्मिंग सिमुलेटर 23 नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे जाऊँगा प्ले स्टोर पर, और यहाँ से हम सिंपली ZRChiever गाइस, तो मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल कर रखा है, आप लोग भी इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, अब ZRChiever इंस्टॉल करने के बाद आप लोगों ने जहाँ पर भी डाउनलोड की होगी, मतलब ओबियसली यार डाउनलोड फोल्डर में मिलेगी, तो यहाँ पे हम सबसे पहले अपना ZRChiever ओपन कर लेते हैं। ZRChiever ओपन करने के बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा नीचे चलते हैं, और यहाँ पे डाउनलोड नाम का एक फ़ोल्डर होगा, तो ये रहा हमारे पास डाउनलोड नाम का फोल्डर, और ये रही अपनी APK, और ये नीचे वाला इसका नहीं है, सॉरी ये तो PUBG का डेटा है। सिंपली हम इस पर क्लिक करेंगे और सिंपली हम यहाँ पर इसको इंस्टॉल कर देंगे। और अगर आप इसको मोबाइल मैनेजर, जो फाइल मैनेजर होता है उसके थ्रू करोगे तो ये नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो सिंपली मैं इस पे यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक कर देता हूँ, तो ये कुछ ही देर में इंस्टॉल यहाँ पे हो जाएगी। तो मैं आप लोगों को वीडियो कहीं से भी फास्ट फॉरवर्ड नहीं कर रहा हूँ। वेल गाइस, आप लोग देख सकते हो ये इंस्टॉल हो चुकी है, और अभी बीटा टेस्ट में है, और इसमें काफ़ी सारे अपडेट आएंगे, और फिर आप लोग इसको सीधे प्ले स्टोर से अपडेट कर सकते हो। सिंपली आप लोगों को यहाँ पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर अपना नेट ऑप्शन है ना उसको यहाँ पर डिसेबल कर देना है। ठीक है, क्योंकि अगर नेट ऑन रखोगे तो सीधा ये प्ले स्टोर से वेरीफाई मांग लेगी। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये देखिए यहाँ पर आप लोग, सो वेल गाइस, अब आप लोगों को पता चल गया कि आप लोग इसको कैसे इंस्टॉल कर सकते हो, कैसे खेल सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।